नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही बुरी खबर लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती चांदनी हवा हवाई रूप की रानी जैसे कई फिल्मों में एक्ट्रेस श्रीदेवी की आज निधन हो गया है, जिससे कि पूरा देश शोक पे डूब गया है। उनके चाहने वालों को यकीन नहीं हो रहा है फ्रेंड कि वो अब उनके बीच में नहीं रही। मुंबई उनके घर के बाहर फैंस की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है और लोगों के आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। श्रीदेवी ने अपनी आखिरी सांसें दुबई में ली। जी हाँ फ्रेंड, वह अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ अपने भांजे की शादी में शामिल होने गई थी। आखिरी लम्हों में उनके साथ उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में बहुत सारी हिट फिल्में दी है। उन्होंने 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में बड़े ही पर्दे पर वापसी की थी। इस फिल्म ने उन्होंने काफ़ी बहुत ही अच्छा रोल करा था। ये फिल्म मैंने भी देखी थी फ्रेंड, और उन्होंने इस फिल्म में जो रोल करा था वो मुझे अब भी याद है। और मैंने ही नहीं, काफ़ी लोगों ने भी इस फिल्म की सराहना करी थी। अभी पिछले साल ही श्रीदेवी ने एक फिल्म करी थी मॉम, जिसमें वो एक मॉम के लीड रोल में थी। इस फिल्म को मैंने कम से कम 4 या 5 दफ़ा देखा फ्रेंड, आप भी जरूर देखें। इसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है वो सब कुछ दिखाया था, और मुझे अभी तक की श्रीदेवी की सबसे बेस्ट फिल्मों में ये फिल्म लगी थी। और मुझे भी बड़ा शौक लगा कि जैसे आज मैंने सुबह देखा, टीवी खोला, श्रीदेवी इज़ नो मोर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड एक बार और, श्रीदेवी जी का आज निधन हो चुका है, अब वो हमारे बीच में नहीं रही। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी अभी सिर्फ 54 साल की उम्र पर ही थी और उनका निधन हो गया। वह दुबई में अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में जा रखी थी। जॉनी अपनी पहली डेब्यू फिल्म धाकड़ की शूटिंग के चलते अपनी माता के संग शादी में नहीं जा सकी। आखिरी वक्त में वह श्रीदेवी जी के संग नहीं थी। आखिरी समय में श्रीदेवी जी के साथ बोनी कपूर, उनकी बेटी खुशी कपूर थे। पिछले एक हफ्ते से श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी उनसे दूर ही थी, क्योंकि उनकी नई फिल्म की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त थी। बोनी कपूर के भाई संजय कपूर शनिवार को दुबई से मुंबई पहुंचे थे। उनके पास श्रीदेवी का हार्ट अटैक की खबर आई। ये सुनते ही वे उल्टे पाँव दुबई की तरफ चल दिए। अब आप श्रीदेवी को आखिरी बार उन्हें बड़े पर्दे पर देख सकते हैं उनकी आने वाली फिल्म में। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बन रही फिल्म जीरो में वो शाहरुख खान के साथ श्रीदेवी भी नजर आएगी। इस फिल्म में शाहरुख खान है, कैटरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा है और श्रीदेवी इनमें कोमियो रोल के बीच पे है। और इस मौके पर शाहरुख खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में श्रीदेवी की एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि की फ़ोटो अर्पित किए। कई सारे बॉलीवुड एक्टरों ने श्रीदेवी के इस तरह जाने से शोक व्यक्त किया और कई लोगों ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर में अपने तरफ से उन्हें भावपूर्ण विदाई दी है। तो फ्रेंड, यही छोटी सी न्यूज़ देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई थी। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। भगवान श्रीदेवी की आत्मा को शांति प्रदान करें। तो मिलते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।